बहुत दिनों बाद एक तो बात हो रही है आज हमारे में आने की है। आ, तो बहुत दिन हम लोग कहीं ना कहीं बंप इन करते रहते हैं अपनी गाड़ी से इधर उधर बहुत मीटिंग करते हैं आप ऑन ग्राउंड फिरोज बताए इस समय आपकी किसी मीटिंग चल रही है अपने एच एन आई अल्ट्रा एच एन आई क्लाइंट से क्या बातें कर रहे हैं वो आपसे देखिए एच एन आई का जो बिहेवियर है उसका एक पैराडाइम शिफ्ट होता है और वो जो एनवायरमेंट में होता है उसके उससे बहुत प्रभावित होते हैं। okay. रिटेल इतना आज प्रभावित नहीं होता क्योंकि 2013 से 2022 तक जो सभी ने रिटेल निवेशकों के लिए इन्वेस्टर एजुकेशन किया है okay. अगर आप देखें दो पैसा जो म्यूचुअल फंड के करंट एसेट से स्पेंड होता है तो इस साल 760 करोड़ इन्वेस्टर एजुकेशन पे स्पेंड होना चाहिए तो रिटेल निवेशक का जो बिहेवियरल पैटर्न है वो एडुकेशन बेस्ड है एच एन आई का आज भी सेंटिमेंट बेस्ड है सो कमिंग बैक टू क्या आज एच एन आई कह रहा है एच एन आई को एक फियर ऑफ मिसिंग आउट जो इमोशन है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है okay. uh, डर इतना नहीं रहता है लालसा भी इतनी नहीं रहती है बट कोई पड़ोसी इतना अच्छा ना कर ले <laughs> वो एक कंपेटेटिव स्पिरिट बहुत ज्यादा है एच एन आई में uh -huh. उसकी वजह से वो बहुत एग्जॉटिक स्टफ करना चाहते हैं okay. मैं अनलिस्टेड स्टॉक खरीद लूं, मैं कोई डिजिटल कंपनी में लूं और जैसे जैसे उबर का स्टॉक ग्लोबली जब खरीदा गया था तब बड़ा कंट्री एच एन आई एक उल्टी चीज भी करते हैं hmm. इधर बहुत एक्सॉटिक करना चाहते हैं बहुत पैसा कमाना चाहते हैं और दूसरी तरफ साठ प्रतिशत पैसा डेट में रखते अब मैंने सर्वे की सौ एच एन आई पोर्टफोलियो की सौ रिटेल निवेशक की ये एटलीस्ट हमें ये लगता होगा कि के पोर्टफोलियो ने ज्यादा बेहतर किया होगा बट एक्चुअली ये निकल के आया कि तीन परसेंट रिटर्न रिटेल निवेशकों का ज्यादा था, था। क्योंकि वो एसेट एलोकेशन पे विश्वास करते हैं वो बोलते हैं यार मैं तो एस कर रहा हूं मैं अस्सी लगा सकता हूं जिसको जोखिम लेने की क्षमता कम है वो ज्यादा रिटर्न कर रहा है वो एटी इक्विटी में है डेट में जिसके पास पचास करोड़ है सौ करोड़ है दो सौ करोड़ भी हो वो बोलते ये तो आपने बहुत बताया। fact, एक, कल एक रिपोर्ट भी थी, थी। इसके इसमें ये भी था इंडियंस की वेल्थ ग्लोबली आप इंडेक्स पे देखें तो इंडियंस की वेल्थ ज्यादा है जो आप बता भी रहे कि रिटेल अच्छा पैसा कमा रहा है देखिए जाहिर तौर पर एच एन आई और अल्ट्रा एच एन आई तो और पैसा कमा रहे होंगे अगर एक कोई ट्रेंड है कि अगले दो साल तीन साल पाँच साल में ये जो एच एन आईज अल्ट्रा एच एन आईज के जो नंबर है ये हेड काउंट है ये जो नंबर है ये ये परसेंटेज कितनी बड़ी हो जाएगी मेरी हिसाब से ये जो एच एन आई की मात्रा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल जो आज आठ लाख एच एन आई है तीन साल पहले वो चार लाख थे ये हर तीन चार साल में डबल होने की क्षमता रखते हैं विच इज अंपेड ग्रोथ ऑफ ट्वेंटी एक स्टेपल डेफिनेशन है कि अगर किसी के के पास अपने घर के अलावा मिलियन डॉलर की वेल्थ हो जो आज के समय में आठ करोड़ रुपया होता है घर में जिसमें रहते हैं या ऑफिस जिसको ऑक्यूपाई करते हैं उसके अलावा इन्वेस्टमेंट के तौर पर तो एच एन आई होते हैं इसकी मात्रा इंडिया में अगले दो हजार पच्चीस छब्बीस तक बारह लाख ,00 होने की उम्मीद है उसके बाद वापस

Hmm. ये जो ढाई लाख लोग जिनकी पगारें या कमाई जो डिक्लेयर करते हैं वो एक करोड़ से ज्यादा है वो काफी रैपिड पेस पे मूव होने की गुंजाइश है, है. Uh, that that uh, देखिए एक एच एन आई ना हमेशा हैबिट ऑफ चेजिंग देयर ओन टेल जब Nasdaq अच्छा करता है past performance तो में तो Nasdaq

कमिंग बैक टू वो क्या पसंद करते हैं छ महीने पहले तक आठ महीने पहले तक एनलिस्टेड स्टॉक्स करते थे बाजार, पे -पे, पे ये सब HNI, आ, में खरीद चुके हैं hmm. तो ऑलमोस्ट सिक्स परसेंट उनका पैसा ही रोड हो चुका है तो अब वो खत्म हो चुका है आज की डेट में ए आई एफ पी एम एस लॉन्ग शॉर्ट फंडल और एक्विटी uh, में डायरेक्ट uh, एक्विटी प्रेफर uh -huh. करते हैं विच इज कन्वेंशनल और वापस दो तीन साल बाद एक दौर आएगा जो वापस एक्सोटिक में उनको खींचेगा फिर थोड़ा हाथ वो अपनी जलेगा दिल हाँ जलेगा हाथ फिर छास फूक <laughs> के पिएंगे तीन साल तक फिर मेमोरी ट्रेड हो जाएगी दैट्स अ साइकिल व्हिच यू सी फिरोज यू आर एब्सोल्युटली राइट व्हेन यू से एचएनएस हैव अ फियर ऑफ मिसिंग आउट लेकिन रिटेल

और सिर्फ वो एक जेएम का फंड है अगर वो फंड छोड़ दो बाकी तो बाकी सब में, में सात परसेंट की मिनिमम रिटर्न आई है hmm. दस साल का निवेश करने पे। तो एफडी से तो आपने बीट कर लिया, कर लिया दस साल निवेश करेंगे नहीं करेंगे इसका निर्णय कौन लेने वाला है आप ही लेंगे राइट सो इफ आर गोण बी एबल टू डिसाइड दैट यू गोण बी इन्वेस्टेड फॉर टेन ईयर इट इज आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एफडी से कम रिटर्न कमाने के लिए <laughs> आपको हर साल जान के दो गलतियां करनी पड़ेगी, तब जाके आप एफडी से कम रिटर्न कमाएंगे। हाँ, really तो so अपना बातचीत खत्म करें उससे पहले कि इस जो आप देख रहे हैं मैं आपसे मार्केट का व्यू नहीं लूंगा लेकिन मोटा मोटा अगर हम देखें तो एसेट एलोकेशन कैसा फेवर कर रहा है किस एसेट क्लास को किस तरह इस समय देखिए मेरे हिसाब से तो आ, एसेट लोकेशन फेवर करना चाहिए इक्विटी की तरफ दो तीन कारण है उसके एक्विटी क्यों क्योंकि वैल्यूएशन ठीक है आज निफ्टी कंपनी की अर्निंग की उम्मीद आठ सौ रुपए की है दो साल पहले 520 थी 520 से 720 720 से 806 थी अब अपग्रेड होके आठ सौ और ये होती दिख रही है और आपकी सत्रह हजार अठारह हजार की निफ्टी है तो बीस की पी बहुत ठीक है पॉइंट पॉइंट इंडिया का जो रिटेल है अगले तीन साल में पच्चीस हजार करोड़ पर मंथ डालेगा एस आई पी में दस साल पहले पांच सौ करोड़ डालता था आज बारह हजार करोड़ डालता है तीन साल बाद पच्चीस हजार करोड़ तीन बिलियन डॉलर हर महीने आएंगे दैट्स सेकंड वी विल बी आत्मनिर्भर कैपिटल मार्केट एंड दैट्स दैट्स राइटिंग ऑन द वॉल इफ यू डोंट सी इट देन यू आर नॉट लुकिंग एट इट थर्ड Because of the outperformance of India vis-a-vis -vis the globe, uh, there is a huge chance that MSCI index may India का weight So, बढ़ाया जाए. तो जो FI के पैसे जो गए the 6 That's why I would favour equity if you can weather the storm. And the storm is surely coming. For sure. One small Priyanka.

ग्रुप के चेयरमैन हमारे साथ जिनका वाला है शायद, mm -hmm. तो वो बर्सिडीज़ के सबसे बड़े डीलर है वो कह रहे हैं कि एवरेज एज ऑफ वर्क ओनर देश में 40-50 हुआ करती थी अब वो थर्टीज में आ गई है और एक, बहुत एक्सपेरिमेंटिंग हो रही है ट्रेडिशनल गाड़ी नहीं ले कस्टमाइज करा रहे हैं स्पोर्ट्स कार सो yes पूरा का पैटर्न भी yes, काफी बदल रहा है उसपे आप की आपने सिल्वर लाइनिंग में आज आपने गोल्डन और प्लाटिनम लाइनिंग वर्ड्स बताया जो इंडियन मार्केट्स के लिए और यहाँ की जो स्ट्रॉन्ग स्टोरी है जो कंजम्पन स्टोरी है जो ट्रेंड्स है उन्हें हाईलाइट किया थैंक अजीज फॉर बींग ऑन द शो